लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन। आपके साथ आइए रुख करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। गलाकोटा पुलिस ने 2.5 साल से फरार चल रहे हत्या के 4 आरोपियों में से एक को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपी कहां छिपे हैं पुलिस को नहीं पता। राजगढ़ में एक बाइक चालक की हुई अज्ञात वाहन से टक्कर, हादसे में बाइक चालक और 17 साल की बच्ची की हुई मौत। नर्मदा शिप्रा एवं मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अचानक पहुंचे बुधनी, नर्मदा उत्खनन रोकने के दिए निर्देश। 2.5 साल पूर्व गड़ाकोटा में हुए एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों में से केवल एक ही आरोपी को पुलिस पकड़ पाई है, बाकी आरोपी कहां छुपे बैठे हैं इसकी भनक पुलिस को अभी तक नहीं हुई है। 2.5 साल से फरार चल रहे आरोपियों में से केवल एक ही आरोपी का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। अप्रैल 2017 में गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में जीवन लोधी नाम निवासी चंद्रपुरा की हत्या कर दी गई थी। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि जीवन लोधी की हत्या चंद्रपुरा के ही 4 भाई अजय लोधी, कीरत उर्फ तीरथ लोधी, रघुवीर लोधी और राजकिरण लोधी ने मिलकर की थी। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। हत्याकांड के 2.5 साल बाद पुलिस ने अभी तक केवल एक ही आरोपी कीरत उर्फ तीरथ को दमोह के जटाशंकर मंदिर के पास से एक मकान से गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी कहाँ छिपे हुए हैं इसकी जानकारी पुलिस कीरत से निकलवाने की कोशिश कर रही है। उधर एक आरोपी को पकड़ने पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के लिए 10,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी। बड़ा सवाल यह है कि 3 आरोपी अब भी फरार हैं और उन्हें ढूंढना भी होगा। 2017 10 अप्रैल को गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में एक जीवन लोधी की हत्या हुई थी। उसमें 4 आरोपी थे, चारों सगे भाई थे, अजय, राजकिरण, रघुनाथ और तीरथ। उसमें से कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था 2017 से लेकर अभी तक। उसमें से तीरथ उर्फ कीरत सनाब सोबत सिंह को आज हमने गिरफ्तार किया है। कल हमारे थाने में पुलिस अधीक्षक महोदय का इंस्पेक्शन था, वो कल आके उन्होंने डायरी देखी थी और उन्होंने कल 2 टीम बना के यहाँ से रवाना किया था हम लोगों को। केसली से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के भुमरिया पबडैल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 साल के हजारीलाल, 17 साल की कमली बाई की मौत हो गई। 2 मृतक रघुनाथपुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहीं एक महिला को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कमली बाई राजस्थान के घाटोली की रहने वाली हैं और वह अपनी मौसी के यहाँ आई हुई थी। कमली अपनी मौसी काशी बाई के साथ बाइक सवार से लिफ्ट लेकर भुमरिया से पबडैल जा रही थी। रामनगर जोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से हजारी और कमली की मौत हो गई। वहीं 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल है। ये मामला एक्चुअली ये था कि भुमरिया से पपड़ेल की ओर एक लड़का, मतलब एक दादी और एक लड़की को बिठा के ला रहा था, तो कोई अज्ञात वाहन उसको टक्कर मार के गया है। HF डिलक्स गाड़ी थी उनके पास और लड़के का पता पड़ा था वो रघुनाथपुरा का है, हजारीलाल पिता, क्या नाम उसका, हजारीलाल पिता मोतीलाल तंवर करके है। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार में बनाए गए नर्मदा शिप्रा एवं मंदाकिनी नदी के न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अचानक बुधनी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने नर्मदा तटों का और घाटों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेत के लगे पहाड़ों को देखते हुए जल्द उत्खनन बंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बाबा ने रेत घाट, जहाजपुरा, आंवली घाट और बाबरी घाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कलेक्टर से फोन पर चर्चा की और अवैध रेत खनन रोकने, रेत के स्टॉक कितने और परमिशन की जानकारी ली। वहीं मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा में नर्मदा को खत्म कर दिया गया है, अब कमलनाथ सरकार एक्शन ले रही है और उत्खनन बंद करवाने के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। जो कि शिवराज सरकार में जिस ढंग से अवैध खनन हुआ है, मुझे लगता है उसकी भरपाई बड़ी मुसीबत है। आज जब हम आए और हमने देखा कि खुद जिसके विधानसभा के विधायक हैं शिवराज जी, और वो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। हमने उस एरिया में लगातार दौरा किया है, आज सुबह से हम लगातार चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा अवैध खनन होके रखा है यहाँ।
नसरुलगन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। रुदौली के मवई क्षेत्र में आने वाले ग्राम गणेशपुर के 10 से अधिक मकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में गृहस्थी का सामान सहित 4 बकरियां और 1 मवेशी जल गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही क्षणों में 10 घरों की सारी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। एक घर में लगी आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में श्यामलाल बोहरे का एक छप्पर, बर्तन कपड़े रामकली बाई का छप्पर व अन्य सामग्री, राम केवल के 5 छप्पर और गृहस्थी का पूरा सामान व माता दीन के घर में लगी आग की चपेट में 4 बकरी के बच्चे और 1 मवेशी आ गया। आग की लपटे देखते ही गाँव वालों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा क्या नुकसान हुआ आपका? अरे साहब, अब इसमें क्या, सारी गृहस्थी जल गई, कुछ खाने का नहीं और कुछ पहनने का नहीं, कुछ लेटने का नहीं, सारा जो है मंझा मुंझा सारे जल गया साहब। लेकिन जब आग लगी तो यहाँ से प्रशासन से कोई आया था कि नहीं? आया, नेपाल आए थे, नेपाल आए थे। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह आग बुझने के बाद आई थी कि पहले? तब हमारे घर पे तो कोई रहा भी नहीं साहब, हम तो अब चले गए थे बाहर। रुदौली से शिवशंकर वर्मा की रिपोर्ट। आगरा में एक महिला ने शराब पीने के बाद भी सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। नशे में धुत महिला सड़क के बीच लोट लगाने लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस महिला को रिक्शा में बिठाकर थाने ले गई। आगरा के अंबेडकर पुल पर एक नशेड़ी महिला ने जमकर आतंक मचाया। महिला के सिर से खून बह रहा था और वो रो रही थी। महिला ने बताया कि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, आए दिन शराब का सेवन करती रहती है। शराब क्यों पी, इस बात का जवाब महिला नहीं दे पाई। महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आनंद फानन में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और महिला को शांत कराने की खूब कोशिश की, लेकिन नशे में धुत महिला किसी की सुन ही नहीं रही थी। महिला कभी सड़क पर लोट लगाती तो कभी सड़कों पर दौड़ने लग जाती। अंत में पुलिस जवानों ने महिला को रिक्शा में बिठाकर घर पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।